नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल। आज आप लोगों के लिए ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड शेयर के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। दोस्तों ये शेयर दोस्तों अभी फिलहाल 19.65 रुपीस में ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों इस कंपनी अभी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पर मार्च 19 पर टारगेट क्या हो सकता है इस वीडियो पर समझेंगे। आज के ट्रेडिंग सेशन पर -3.2% का गिरावट इस कंपनी पर देखने के लिए मिला है दोस्तों, ओरिएंट ग्रीन पावर लिमिटेड शेयर। तो सब अभी फिलहाल दोस्तों इस कंपनी पर लगातार गिरावट यहां पर देखने मिल रहा है। इस कंपनी 34-35 रुपीस तक जा चुका था दोस्तों फेब्रुअरी मंथ में, 35 रुपीस से ये शेयर लगातार गिरावट होकर ये शेयर ने मात्र इस कंपनी 17 रुपीस तक आ चुका है। बट वहाँ से थोड़ा सा एक करेक्शन देखने मिल रहा है, फिर से एक रिकवर बनने का कोशिश यहाँ से कर रहा है। बट तेज़ी भी हो सकता है, गिरावट भी यहाँ पर देखने मिल सकती है। सपोज दोस्तों 119.65 से गिरावट हुआ तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पर पहला स्टॉप लॉस रहेगा 19.45 रहेगा। 19.45 से भी ब्रेक हुआ तो इस कंपनी 18.70 तक भी दिखा सकते हैं। ये दो स्टॉप लॉस पर आप लोग नज़र रख सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पर, यहाँ से तेज़ी भी बन सकते हैं दोस्तों। 19.80 को ब्रेक किया तो 20.10 से 20.50 तक भी टारगेट दिखा सकते हैं। ठीक है, आप लोग दो टारगेट एंड दो स्टॉप लॉस पर नज़र रखिए। अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे रहे दोस्तों। कंपनी भी 13 रुपीस में ट्रेड कर रहा था अक्टूबर मंथ में, वहाँ से लगातार तेज़ी की वजह से इस कंपनी 13 रुपीस से इसे 35 रुपीस तक जा चुका था सिर्फ वन टू मंथ्स में। बहुत बड़े रिटर्न भी बना के दे चुका है। बट थोड़ा सा भी फिर से गिरावट भी करेक्शन भी देखने मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म के लिए निवेश भी कर सकते हैं, अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दे सकते हैं। ठीक है, आप लोग सोच कर इन्वेस्ट करो। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।